FM 98.5। यादें भी अजीब है, बिन बुलाई मेहमान जैसे। 98.5 FM आपका स्वागत करते हैं हमारे शो पर पिटारा यादों का, जहां हम चुन के लाते हैं कुछ ऐसी कहानियां जो आप तक पहुंचे, हमारे दिल से आपकी यादों तक। तो हमारी आज की कहानी है अर्जुन की। अर्जुन जो हमारे शहर मुंबई में अपनी अलग ही दुनिया में रहते हैं, देखते हैं वो आज हम सबसे क्या कहना चाहते हैं। मुंबई की लोकल ट्रेन, ना जाने कितनी ही कहानियां छुपी हैं इसमें, कितने ही किस्से, कितने ही राज खुद में समाये चली जा रही है। शायद ही कभी किसी से कुछ बयां किया हो इसने। आज संडे के सन्नाटे में लोकल ट्रेन की भी छुट्टी सी लगती है, अकेले यूं ही सैर पर निकली हो जैसे, भीड़ से दूर। आज हमारी कहानी भी इसी एक किरदार की है, लोकल ट्रेन। एक किस्सा जो मैंने जिया मुंबई की लोकल ट्रेन में। किस्सा पलटते पन्नों का। उस रात का चेहरा अपने ही अंदाज में जगमगा सा रहा था। शहर की चमक धमक, दूर ट्रैफिक की आवाज़, ट्रेन का गुनगुनाना और बस में। एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी। अपनी दुनिया से बाहर आते ही एक बूढ़ा सा हाथ दिखा हैंडल पर। कुछ 60 साल की रही होंगी। एक अजीब सी चमक थी उनके चेहरे में, जो सब जी लेने के बाद भी इस पल को नया सा जी रही थी। 2 मिनट बाद वो कुछ पुरानी सी किताब निकालकर पढ़ने लगी और मैं भी खुद के साथ मुस्कुराकर बाहर देखने लगा। पांच मिनट बाद जब मेरी नजर उनके ऊपर दोबारा गई तो मैंने देखा कि उन्होंने किताब उल्टी पढ़नी शुरू की। आखिरी पन्ने से उल्टा पन्ना पलटा, 2 मिनट बाद फिर उल्टा पन्ना। मुझे बहुत अजीब लगा। 10 मिनट तक नजरें चुराते चुराते मैं बस यही नोटिस करता रहा। खैर, मेरा स्टेशन आ गया था, पर यह आजाद लम्हा एक याद बनकर मेरे साथ रह गया। एक दिन अचानक यूं ही मिली कुलाबा में, वही चेहरा अपनी वही चमक लिए मेरे सामने से गुजरा। बात करने का मन हुआ पर झिझक के कारण बस यूं ही चलता चला गया उनके पीछे, न जाने क्यों। उन्होंने टैक्सी ली और मैं भी उनके पीछे हो लिया। कुछ मिनट बीते होंगे, उन्होंने वही किया जिसका शायद मैं इंतजार सा कर रहा था। रोक नहीं पा रहा था खुद को, हिचकिचाते हुए मैंने पूछ ही लिया, कैसे, डोंट माइंड, पर कैसे पढ़ लेती हैं आप ये किताब इस तरह यूं उल्टी? सॉरी, आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी, हम लोग पहले भी मिल चुके हैं, मैंने उस दिन भी आपको इसी तरह उल्टे पन्ने पलटते हुए देखा था। मैं पूछना चाह रहा था कि क्यों करती हैं आप ऐसा, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया पूछने से। यूं ही, ये एक खेल सा है जो खुद के साथ खेलना पसंद है मुझे। कैसा खेल? उल्टे पन्ने हमें कभी कभी सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि इससे पहले क्या हुआ होगा जो आज का दिन ऐसा है। तो आप हर किताब पहली बार इसी तरह पढ़ती हैं? नहीं, किताब पढ़ चुकी हूँ, अब जब अंत पता है तो सोचना चाहती हूँ कि अगर पहले कुछ और हुआ होता तो कहानी क्या यूं ही आगे बढ़ती।
लेकिन क्यों? कहानी पता है, अन पता है, फिर क्यों? इन पन्नों में शायद खुद को जीना सिखा रही हूँ, खुद को शुरुआत दे रही हूँ इसे। और जब पहली बार आपने कहानी पढ़ी थी तो खुद का अन भी दिया था? अन तो एक ही होना चाहिए, वरना कहानी मेरी ना हो जाती। जी मैं कुछ समझा नहीं। कहानी मेरी नहीं है, इन पन्नों को ही बयां करने देते हैं, आगे कहानी क्या होगी? मेरा स्टेशन आ गया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। किसी पन्ने पर साथ मिले तो एक किस्सा आपके नाम भी कर देंगे हम। इतना कहकर वो उठी और चल दी। कभी मिली नहीं वो फिर मुझसे, पर आज भी जब ये किस्सा याद आता है तो खुद की जिंदगी के पन्नों को पलटने का मन करता है। क्या पता वहां कुछ ऐसा छुपा हो जो आने वाला कल बदल दे। अजीब पन्ने हैं ये, पलटते हैं तो कुछ नया बयां करते हैं, उलटते हैं तो यादें। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी इसी मुस्कुराहट के साथ हम FM 98.5 पर आपसे विदा लेते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और की यादों की कोई और कहानी लिए। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। के हर मोड़ पर कुछ नया किस्सा मिल जाता है, बेगाने कुछ रिश्ते गुमनामी में खिल जाते हैं। जो उलट के देखो तो यादें बाकी है, पलटने लागे तो बस ख्वाब ही साकी।